नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में महिलाओं ने की फ्री यात्रा। जयपुर में इंदिरा रसोई में कराया फ्री भोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार विमेन एम्पावरमेंट की ओर अग्रसर। पुलवामा आतंकी हमले में शहीदों की वीरांगनाओं को मिली नियमानुसार सहायता। राज्य सरकार ने कहा, पुत्र पुत्री के नौकरी के अधिकार सुरक्षित। रिश्तेदारों को नौकरी की मांग गलत। राजस्थान बोर्ड के 12वीं के एग्जाम कल से। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे इम्तिहान। 10वीं बोर्ड एग्जाम 16 मार्च से होंगे शुरू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर दिलाने के साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश का विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमारी नारी शक्ति आज अपनी प्रतिभा के बल पर हर चुनौती का मजबूती से सामना कर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, बैक टू वर्क योजना शुरू की गई। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उड़ान योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और खुशहाल राजस्थान के निर्माण में योगदान दें। राज्य सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके अंतर्गत आयम शक्ति उड़ान योजना, वर्क फ्रॉम होम योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सारे कार्य करे जा रहे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले जा रहे हैं। इन सभी के माध्यम से सरकार द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारी सरकार महिलाओं के लिए हर वक्त खड़ी रहती है, हर वक्त उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास करती रहती है। आयम शक्ति योजना में महिलाओं को बहुत ही कम दरों पर लोन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि वह उद्यम से जुड़ सके, ताकि वह अपना रोजगार स्वयं शुरू कर सके और वह भी घर की मुखिया बन सके। बालिकाओं के लिए निशुल्क रूप से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करवाई जा रही है। महात्मा गांधी स्कूल खोले जा रहे हैं। वह बालिकाओं के लिए बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज खोले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर महिलाओं और बालिकाओं की भारी भीड़ भी नजर आई। राज्य सरकार ने महिला दिवस पर एक दिन के लिए महिलाओं को बस में निशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी है। सिंधी कैंप के अलावा नारायण सिंह सर्किल और चौमू पुलिया पर भी महिलाओं की भीड़ नजर आई। राजस्थान गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए ये रोडवेज में जो फ्री यात्रा दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कोई किसी भी तरह का हमें टिकट नहीं लेगा, ना ही किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई है। जयपुर से सरदार से जा रही हूँ। आज महिला दिवस के दिन हमसे कोई भी क्रय नहीं लिया गया, इसलिए हम मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज महिला दिवस को पूरी वजह जा रही है। हमारा विचार था खाटू श्याम जी जाने का, तो पटबंध होने के कारण हम अगरतला से जा रहे हैं बालाघाट, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सरोज मेहड़ है, सिंधी कैंप में परिचालक पद पर कार्य कर रही हूँ। सीएम सर ने जो फ्री का जो दिया है महिलाओं को, बहुत ही अच्छा है और सुबह से हमारी महिलाएं बहुत ही खुश होकर जा रही हैं अलग अलग जगहों पे। और आज रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए ये सफर फ्री रहेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। थैंक यू सो मच सीएम साहब को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीबीए सागर में एक महिला परिचालक पद पर कार्यरत हूँ। आज सुबह से ही 8 मार्च महिला सशक्तिकरण दिवस का माहौल देखने को मिला। सुबह से लेके अभी तक मैंने महिलाओं को ही देखा है यहाँ पे, और महिलाओं में अजीब सा रुझान था जैसे कि वो सब कुछ जानती है और वास्तव में वो जानती है, क्योंकि वो जब भी आई टिकट ली तो उन्होंने ये कहा था हमें फ्री वाला टिकट चाहिए, इसका मतलब वो जानती है। और ज़्यादातर रहा माहौल घूमने का, जहाँ पे धार्मिक स्थल रहे खाटू श्याम, सालासर और रिंगस और अजमेर, सबसे ज़्यादा महिलाएँ रही है और अच्छा लगा हमको। और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उनको जो तोहफा दिया है
उनको पाके बहुत खुश थी और उनको अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर के हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में संचालित इंदिरा रसोइयों में महिलाओं को निशुल्क भोजन करवाया गया। महापौर मुनेश गुर्जर ने पहल करते हुए इंदिरा रसोइयों में महिलाओं को निशुल्क भोजन करवाया। वहीं महापौर मुनेश गुर्जर ने खुद भी जलमहल की पाल पर इंदिरा रसोई में भोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुधवार को जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में महिला सप्ताह का शुभारंभ समारोह और राज्य स्तरीय महिला आर्थिक सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश और मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा भी मौजूद रही। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए महिलाओं की स्थिति मजबूत बनाई है। आज महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर रही है। प्रदेश की योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री की जो भावनाएं हैं कि राजस्थान की प्रगति में महिलाओं का योगदान रहे, उस आधार पे हम सब महिलाएं संकल्पित होकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट एक तरह से समर्पित किया युवाओं और महिलाओं पे, तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखी पहल है। राजस्थान की तमाम महिलाओं को हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, चाहे आयम शक्ति योजना हो, चाहे उनके उद्योग स्थापित करने की बात हो, चाहे उनके स्किल्स की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन लेवल से जोड़ने की बात हो, और उड़ान योजना जो हमारी महत्वपूर्ण योजना पूरे देश के अंदर अपने आप में सिरमौर बनती जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चला रही है जिससे महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा महाविद्यालय श्री गंगानगर, धौलपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ के लिए उपकरण एवं पुस्तकों की खरीद के लिए वित्तीय सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए 56.08 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस वित्तीय स्वीकृति से विभागों में फर्नीचर और पुस्तकों की खरीद की जा सकेगी। इसके आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार ने शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर हमेशा संवेदनशीलता के साथ काम किया है। पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की वीरांगनाओं को भी राज्य सरकार ने नियमानुसार सहायता उपलब्ध करवाई है। राज्य सरकार द्वारा तीनों शहीदों की वीरांगनाओं को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई, साथ ही शहीद के माता पिता को 5 लाख रुपए की सावधि जमा कराई गई। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज की बसों में भी निःशुल्क यात्रा प्रदान की गई है। राज्य सरकार का कहना है कि रिश्तेदारों के लिए नौकरी की मांग अनुचित है, जबकि पुत्र और पुत्री के नौकरी के अधिकार राज्य सरकार ने सुरक्षित रखे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2023 के 12वीं के एग्जाम कल यानी 9 मार्च से शुरू होंगे। 12वीं की परीक्षाएं 12 अप्रैल तक होंगी। इसी प्रकार 10वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से 11 अप्रैल तक होंगी। इन परीक्षाओं के लिए 21,12,206 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। एग्जाम के संचालन के लिए बोर्ड कार्यालय में केंद्रीय कंट्रोल रूम 4 मार्च को सुबह 6 बजे प्रारंभ कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर यहां कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। ये कंट्रोल रूम लास्ट एग्जाम डेट 12 अप्रैल तक काम करेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं ब्यावर की होली के नज़ारे। इस साल की झींगर समाज की ओर से देवर और भाभी की कोडामार के बड़े हर्ष उल्लास से पाली बाजार मंगल मार्केट के सामने बनाई गई, जो आज से 1936 से अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, और इसमें पूरे शहर के, पूरे राजस्थान के, जिले के नागरिक यहाँ पे बाजारे देखने के लिए, ये परंपरा हमारे पुरखों से चली आ रही है और आज भी वो कायम है, देवर और भाभी की कोडामार गेर। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।